आता हूँ 2 मिनट में। स्टैंड रुको। पापा अपने बहन को छोड़ने जाते हैं, कौन छोड़ने जाएगा योगिता को? आप बताओ। तो क्या यीशु बचा? यीशु बचा, फिर कैसा लगेगा मम्मा को, है ना? और तेरे अंदर 25 और आप ईमानदारी से बताओ, आपकी भी बेटी है ना, तो आपने कितना दुख होएगा? हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल सुषमा यादव ब्लॉग। और भाई ब्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है 11:30 बजे से, तो सारा काम हो गया, नहा धो लिए कपड़े वपड़े सब धुल गए, कपड़े सुखा भी दिए, और बच्चों के बैग बेडशीट वगैरह धुलने लग रही है, तो वो धुल जाएगी शाम तक, अपने आप सूख जाएगी, मतलब सुखा देंगे, ठीक है? क्योंकि अभी स्पेस भी कम है और कुछ बादल वादल सा भी हो रहा है, तो ठंड का मौसम है इसलिए। और अभी नीचे बन रहा है खट्टे का साग, बाजरे की रोटी भी है, मक्के की रोटी भी मम्मी बना रही है, तो अभी खाना मैंने खाया नहीं, खाएंगे, ये भी आएंगे शायद खाना खाने, तो साथ में खाएंगे। और अभी बस मैं कुछ नहीं कर रही हूँ, आज है कोई प्लान पर देखो कितना सक्सेस हो पाता है, क्योंकि बस चलता ही रहेगा ऐसे कुछ दिन तक, तो ठीक है। तो अगर जाएंगे तो आपको दिखाएंगे, और क्या करके आएंगे वो भी दिखाएंगे, अदरवाइज फिर कुछ और दिखाएंगे, ठीक है? खाना तो आ गया था, मैंने तो ऑलमोस्ट फिनिश कर दिया था, अब मेरे को याद आया कि दिखाना भी था, खाटे का साग, ये मक्के की रोटी है। बाकी शाम को मम्मी बोल रही कि बच्चों के लिए बनेंगे ना, तो हम ऊपर बनाएंगे, तो तब आपको तब ट्राई भी करूँगी मैं भी, क्योंकि मुझे नहीं आती, और फिर आपको दिखा भी देंगे। अभी अभी टाइम हो रहा है शाम के 6:30 देखो, और नीचे बन रही है बच्चों के लिए मक्का और बाजरा की रोटी, और साग सुबह बनाई दिया था मम्मी ने, तो मैं तो अभी जोत वोत कर गई, तो अब नीचे चलते हैं, देखते हैं हम भी कुछ थोड़ा बहुत ट्राई करते हैं, बाकी तो मुझे नहीं लगता मेरे से तो बनी पाएगी, बट फिर भी ट्राई करने में क्या हो रहा है, क्यों फिर मम्मी बनाएगी सबकी, तो चलो बच्चे भी वहीं पे सारे, अभी चलते हैं, वेट दिखाती हूँ आप लोगों को। जी मेरे सारे के सारे दूसरी साइड से खा लेना, फिर सही हो जाएगा। नरम सेके तेरी है के टाइट तो छोरी करा रही नरम सेकी है ऐसी से कौन केड़ी तो बता के अपना मुझे दो मुझे भूखा मारना चाहती है मां जी क्यों क्यों मारना चाहती है भूखा पर गलत थी मेरे पहली वाओ हुई थी पीछे ही हुई फिर वाओ हुई तो हां सही बात है नंबर वाइज मिलेगी सबको अरे भाई हाय इधर देखो सारे सर देखो मामा पास इधर देखो सामने सामने देखो मैं नहीं आता हूँ 2 मिनट में स्टैंड रुको मैं आ रहा हूँ देखो ना बस अरे तो अरे आ जाओ स्पाइडरमैन स्पाइडरमैन तूने चुराया मेरा दिल का चैन स्पाइडरमैन स्पाइडरमैन तूने चुराया मेरा दिल का चैन मम्मा नहीं चाहिए क्यों नहीं चाहिए
ये मेरी, वो भी मेरी। हाँ किसमें कितना मरते दम तक यही वजन है। कितने ओए किसमें कितना दम था, वेट था उस दिन? इसके अंदर 30, इसके अंदर 29, मेरे अंदर 28। हाँ मैंने 100 माफ कर दी। हाँ 1 किलो ज़्यादा वजन है। हाँ मैंने तो मैं 29 है। कितना है? थोड़ा बाबू बता रहे थे कि हो गया ओवर 25 है। तेरे अंदर 25 और रुद्र आपके अंदर 15। अरे वाह मौज कर दी। और मेरे अंदर कितना होगा? 18 क्या बोली? 80। अरे ना इतनी मोटी ना हो, 80 25 25 20 नुगारी 25 थोड़ी इनमें सही लग रही है। 40 ना पावे, 60 पावे को देख लियो आप, चिंता नहीं नाप लियो। हाँ 60 तो एक आध की कम हो तो मैं कहना उसको, नहीं 60 का आसपास पक्का पावे। हाँ बेटा हाँ इतना होएगा बेटा, 55 प्लस होएगा है। 1 कैसी लग रही है रोटी? अरे भाई भुक्कड़ ओए तूने खा ली, सबसे ज्यादा तो यही खाने को। चलो खा ले दो बस ये दो मेरी बन गई गरम गरम। और क्या इसको झाड़ देते हैं। रोटी खा लो पेट भर गए। क्या मैंने नहीं कहता, कुत्ते भोग रहे थे बिल्लियां सोए थे तभी बैठो गए। अच्छा हाँ हम वैसे खेलते थे वो के तो, अरे नाम तो थोड़े को। हाँ हम खेलते थे सूखा पापड़ आ जा ऐसे करके, सूखा पापड़ आ जा और फिर पीछे से मतलब एकदम दब वो करना ना वो दब गया। हाँ, मैं बोलती हूँ तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस खाने का टाइम ये होते हैं।
चलो तो भाई आ गए हैं शादी में से भी और काफ़ी मजे आए, मतलब ऐसा लग रहा था जैसे अपनी शादी है ना, क्योंकि हमारी पूरी फैमिली वहाँ पे थी, जीजा भी जीजी भी बच्चे भी सारे, मतलब ऐसा लग ही नहीं रहा था कि उनके वहाँ पे जैसे मतलब वो है, तो काफ़ी अच्छे मजा आए, सब लोग थे साथ में, रहे डांस करा, बिल्कुल अपने जैसी फील आ रही थी, मस्त मजा हो गया था सारा काम। अभी बस क्योंकि उनकी दो दो बेटियों की शादी है तो इसलिए टाइम लगेगा उनको, फटाफट से करना पड़ता है ना इसलिए। और भाई मेरी तो जीजी हर गया, अपना जाडा चढ़ रहा है, उनकी बेटी जाएगी जब बेटी किसी की जा रही है और रो कोई रहा है इसलिए, ठीक है चलो, बट सही है भगवान। बस मैं इसीलिए ना मैं बहुत खुश रहती हूँ कि मेरी बेटी नहीं है, क्योंकि मैं तो दूसरों की जाएगी तभी रो लूंगी और जब मेरे पास से जाती तो सोचो, मतलब सही है। बस ये चीज़ तो मैं हमेशा कहती हूँ उनसे कि सही है मेरी बेटी नहीं है, मतलब सिर्फ एक यही रीज़न है मेन, वैसे अच्छी लगती है, चाहती हूँ मैं क्या मैं कि ऐसे तो मेरे पास रहे, बट जब चली जाएगी उसके बाद में कैसे मतलब होएगा सारी चीज़ें ना, वो चीज़ सोच के बस नहीं होता ना इसलिए। तो भाई मेरे से तो नहीं देखी जाती, अब हमारी चीना छवि जाएंगी, हमारे इधर वाले बच्चे जाएंगे है ना, तभी देखो अजीब सा सोच के लगता है ना। तो चलो और सोचो हमारी मम्मी भी जा रही है, छह छह बीच में शादी भी आ जाएगी ना, तब मेरी मम्मा को छोड़ के तो मम्मा के पास से नैना दीदी और चीना दीदी चली जाएगी, तो क्या यीशु बचा, यीशु बचा, फिर कैसा लगेगा मम्मा को है ना, और सोचो हमें भी कैसा लगेगा, फिर हम क्या करेंगे, दीदी और चली जाएंगी, चीना दीदी की याद आएगी है मुझे भी भाई, इन बच्चों का क्या मतलब, हमारा ज्यादा एज पड़ी है सही में, मतलब दिक्कत हो जाएगी फिर तो। पर चलो अभी तो है दो तीन साल, अच्छा ठीक है, बहुत अच्छी लगती है। भैया ने ना पनीर लाए उनके लिए, अच्छा, और मैंने कोल्ड ड्रिंक लाई, अच्छा ठीक है, अब फेस वॉश कर लो, कपड़े चेंज कर लो, चलो बेटा, अरे तेरे पापा तो बाहर ही रह गए, ठीक है भाई, तो चलो कपड़े चेंज कर दो, कल ये पूरा नहीं, मैंने बंद नहीं किया बेटा, पूरा शीशा साफ करेंगे, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ये अलग पार्टी करके आए हम अलग पार्टी करके आए हैं यार, मैं यू कह रही हूँ देखो उनकी तो दो दो बेटी चली जाएगी, और मैं बढ़िया है, हाँ मतलब वैसे तो बढ़िया है, अच्छी बात है, खुश रहना चाहिए, जाना चाहिए, पर ना चीना ही कह रही कल हमारे घर में सब रोने लग गए, मम्मी पापा मैं अपनी पहले ही सोच सोच के मैं लड़की उनकी जा रही है, और आप ईमानदारी तो बताओ, आपकी भी बेटी है ना, तो आपने कितना दुख होएगा, चलो भैया आज को क्वेश्चन ही हुई है, हेलो जीजी गई ना जब तो बहू मिल गई थी, जब आपकी बेटी जाएगी, जब आपने कोई ना मिले बहू मिलेगी, मतलब बोड़िया आपकी तो बेटी बराबर है। ना ना फिर भी अपनी बेटी को दुख लग रहा है भाई, है मतलब आप बिल्कुल भी ना रोगे आपकी बेटी जाएगी तो कैसा हो आप, उलट को बता रहे भैया कितना चलाते हैं, उंगली खराब हो आपने लगाई होगी उस पे पक्का, तो आप ऐसा हो ना कट्टर, तभी भगवान ने आपकी बेटी ना दी है ना, है तो सही, हाँ तो मैं इन्हीं की तो कह रही हूँ, जब ये जाएगी तो आपने कैसा फील होगा, मैं है एक आपकी भांजी भी है भैया, आपकी दो बेटी भी है, फिर भी मतलब वंशुवर तो है, हाँ आप रहोगी जब ये जाएंगे, अब तू बेउन पापा अख्तरिया वंश जाएगी तेरे बहू आएगी, तो कह दी मेरी तो बहू आ गई मैं क्यों रो, है देवांश आप रहोगे जब ये वंशुवर ससुराल चली जाएंगी,
रोएगा ये दे बेचारो। यार तेरे पापा कैसे हैं देख, कितने कट्टर। शादी भी हो जाएगी ना तब भी इस घर को ले लूंगा। तो शादी होगी तुझे कहीं नहीं जाना, तू तो यहीं पे रहेगा, बहू आएगी तेरी यहाँ पे बेटा। इसको ये पापा अपनी बहन को छोड़ने जाते हैं, अब इसको कौन छोड़ने जाएगा? आप बताओ योगिता को मैं छोड़ने जाऊंगा। और वो कह देगी मैं तो तेरे साथ नहीं जाऊंगी रुद्राक्ष, साथ जाऊंगी फिर क्या? कुछ भी नहीं। और वही और ना उसके खर्चे भी मैं नहीं उठाऊंगा। अच्छा और मम्मा के कौन उठाएगा? आपके आपके भी उठाने ही पड़ेंगे। और जब पापा बूढ़े हो जाएंगे फिर मुझे संभालना पड़ेगा होटल। ये पहले ही कुंडली मार के बैठा है, देख लो कितना तेज है ये छोरो। भगवान सच में, अगर अगर जैसे देखो हाँ, अगर इस इसके बाद भी जाएंगे हाँ तो है ना, दो है नीचे दो है, अगर कोई एक इसके साथ नहीं जा रहा। अच्छा एक ऑप्शन और है हाँ, रीशु के साथ चले जाएंगे। सही बात है, रीशु मतलब लेकिन वो तब ना कॉलेज में होएगा, उसको स्कूटी चलानी आती है। हाँ तो अपनी स्कूटी पे ले आएगा ना, मतलब उनके पास ऑप्शंस हैं बहुत सारे, किसी के पास भी जा, किसी के साथ भी जा सकती है ना। आपने अच्छा आप अपने मन की बात बताओ, आपने कौन सी चूज कर रखी है? कौन सी चूज कर रखी है? सृष्टि, वंशु, योगी, कौन? आपकी देख चीना दीदी, नैना दीदी, छवि दीदी और तीन ये यहाँ वाली है, सारियों में सबसे अच्छी कौन लगती है? नहीं ये सबसे अच्छे फ्रेंड बनेंगे देखियो आगे जाके, है ना? है ना हाँ वही तो बात है, भाऊ के भी अपनी वाइफ के भी उठाऊंगा, मम्मा के भी उठाऊंगा और योगिता के भी उठाऊंगा। चलो ठीक है बाय कर दो है। मतलब ये कितनी लगती ना सृष्टि लगती है, सारी अच्छी लगती है, वेरी गुड। चलो ठीक है बाय कर दो अब बस। बाय बाय, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना और कमेंट में बताना कौन सा पार्ट अच्छा लगा। बाय बाय।